नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है या बाढ़ के कारण आपका अगर फसल नहीं हुआ है, आपकी खेत जो है परती रह गई है, उसके लिए यहां पे सरकार ने मुआवजा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से जिला के लोग कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कब से किया जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी फसल क्षति हुई है बाढ़ के कारण या परती रह गई है बाढ़ के कारण, तो यहाँ पे उसके लिए फाइनली जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग कर सकते हैं और कितने ऐसे पंचायत और ब्लॉक है जहां के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 के तहत आवेदन आप कर सकते हैं और इसमें आवेदन करने के लिए टोटल यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट है और 30 डिस्ट्रिक्ट के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे यानी किसान भाई होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। 30 डिस्ट्रिक्ट में 265 ब्लॉक से आवेदन होगा और पंचायत की बात करें तो 3229 पंचायत जो यहाँ पे क्षति हुई है वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको कितना मिलेगा इसके लिए अनुदान, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वार्षिक जो असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा, सिंचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर और शाश्वत फसल यानी गन्ना अगर उसमें लगाए हुए है और क्षति हो गया है तो उसके लिए आपको 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अगर परती रह गई है बाढ़ के कारण आपकी जमीन तो यहाँ पे 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो state.bihar.gov यानी इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं या DBT के ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहां से किसान रजिस्ट्रेशन किया जाता है वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास 13 अंकों का किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड किसान है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने का वीडियो यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे अब आपको मिलेगा देखने के लिए कि जो यहाँ पे बाढ़ से जो क्षति हुई है उससे संबंधित यहाँ पे कि 3229 जो यहाँ पे पंचायत है प्रखंड में 30 जिलों के यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स वैसे पंचायत और वैसे जिलों का सूची और ब्लॉक का सूची जहाँ पे परती रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 30 जिले हैं और इसमें 17 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की तिथि, तो यहाँ पे पहले आवेदन करने की तिथि 5/11/2021 थी लेकिन अब आवेदन की तिथि में विस्तार किया गया है, उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल पेपर कटिंग दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें दिया गया है कृषि निदेशालय की तरफ से किसान भाइयों एवं बहनों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो PR नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस PR नंबर से ही वो डेट जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि कृषि इनपुट अनुदान हेतु 5/11/2021 से 20/11/2021 तक आवेदन करने के लिए डेट बताया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से जो 5 का डेट है यानी 5/11/2021 का डेट है उसमें यहाँ पे अब बदलाव किया गया है और ये अब आवेदन जो होगा 7/11/2021 से स्वीकार किया जाएगा, बाकी जो डिटेल्स है सेम होने वाले हैं। 7/11 से आप 20/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार के आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसी प्रकार का क्यूरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।